पाक के करेजे वाले इस डॉन ने हाल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, तो इसके बदले में अब बिश्नोई गैंग ने भी इनको जवाब दे दिया। इतनी है कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई देश के गुंडों का सफाया कर रहा है और सच्चा देशभक्त ये अच्छा काम बन रहा है। और एमएलए जो है ये सारे डाउन ही है इंडिया में। और क्या भी दादा भी मुखालफत है, 40-60% जो है डाउन ही है। वो एक आम इंसान को ये दिखा रहा है, ये जो लोग हैं जिनके अगेंस्ट अब ये लॉरेंस खड़ा हुआ है, वो लोग आम जनता को, हमको, आपको चिढ़ा रहे हैं अपनी पावर दिखाकर। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है द सैम शर्मा शो चैनल का, और इसमें भाई वीडियो का जो टाइटल है वो है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई जो है जो एंटी इंडिया माफिया गैंग है उसको खत्म कर रहे हैं या उसको डरा रहे हैं या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम सैम शर्मा शो चैनल से यही देखेंगे कि वो लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बारे में क्या बोलते हैं। और पप्पू यादव वो व्यक्ति हैं, जिनको नहीं पता हो तो बता दूं भाई, बिहार में उनका एक अच्छा खासा मतलब वर्चस्व है, एक अच्छा खासा पकड़ है उनकी, और खुद को मतलब जैसे कहते हैं अपने इलाके का वो डॉन समझते हैं। तो लेकिन आज उनको क्या हो गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों के सामने जो है वो गिड़गिड़ाने लगे हैं? तो लॉरेंस बिश्नोई का इतना खौफ क्यों है लोगों में? तो ये सब इसमें इस वीडियो में बताया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बात करते हैं बिहार के एक ऐसे डॉन की जो कहते हैं कि उनके पास पाक का करेजा है। पाक के करेजे वाले इस डॉन ने हाल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, तो इसके बदले में अब बिश्नोई गैंग ने भी इनको जवाब दे दिया। इतनी है कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन फॉर सम रीजन इस धमकी के बाद पाक के करेजे वाले इंसान बकरी की तरह मिमिया रहे हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे बिश्नोई गैंग और इंडिया के बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के बीच में वॉरफेयर चल रहा है, और क्यों ये बिश्नोई गैंग से इतना डरते हैं कि जिस इंसान ने एक समय पर अपने आतंक से पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के रखा हुआ था, वो आज अमित शाह से अपनी सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं। हेलो हेलो, और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए ऐसा अचानक हुआ क्या कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान भाई को छोड़कर पप्पू यादव के पीछे पड़ गए हैं। देखिए यह सारी चीज 12 अक्टूबर से शुरू हुई है, जब बिश्नोई गैंग ने मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी ली थी। इस बाबा सिद्दीकी मर्डर वाले मुद्दे पर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं पूरा। अब बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की नीड सलमान भाई को पड़ी, क्योंकि बिश्नोई गैंग ने डायरेक्टली सलमान भाई को टारगेट किया और उनको धमकी दी। Home in Mumbai's Galaxy apartment in Bandra has been beefed up with a no visitor diktat issued by Hans. उनका ये केस मीडिया में, सोशल मीडिया में इतनी चर्चा में चला गया कि सलमान भाई के बॉडीगार्ड शेरा को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। तो ये मामला ऑब्वियसली इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि इस इंसिडेंट के बाद लोग इस मामले में अब क्लाउट लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं, चाहे वो नदीम खान हो। मैं लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के सार कर चुके हो तू। इतना बड़ा हो गया रे, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वापस चालू करवा रहे हैं, हाँ इसकी जान पे इतना उड़ रहा है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके। हालांकि वो बात अलग थी कि इनको भी बिश्नोई गैंग ने डोज दे दिया है। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई को जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है तो बिश्नोई लॉरेंस के साथ में ये बाबा खान खड़ा रहेगा काका। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं शेर के करेजे वाले पप्पू यादव। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने बिश्नोई गैंग को 24 घंटे में खत्म कर डालने की धमकी दी, लेकिन इस धमकी के तुरंत बाद अपेरेंटली उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। कर्म और कांड दोनों करते हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। फोन करने का मकसद यही था, उधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम।
अब ये देखकर पप्पू यादव का वो हाल हो गया जो कि फिल्मों में विदाई के वक्त दुल्हन का होता है। ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे, अब ज्यादा तेज मत बनिए। इसके बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव के सामने लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक लिया जाता है तो ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने किसी नॉर्मल इंसान को दिवाली में पटाखे या होली में पानी से खेलते हुए देख लिया हो। इतना तो रिपोर्टर्स पर जया बच्चन नहीं चिढ़ती है यार। जब उनकी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो पप्पू यादव ने भी टाइट सिक्योरिटी डिमांड कर ली है और वो भी अपने पॉलिटिकल राइवल अमित शाह से। बताइए क्या दिन आ गए हैं बाहुबलियों के। अब देखिए हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिटेल में इस बारे में बात की है कि क्यों हम अपने शो पर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ बहुत क्लियर मॉरल और प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से। लेकिन ऑनेस्टली मुझे पप्पू यादव के लिए कुछ खास सिंपैथी नहीं है क्योंकि देखिए मैं भी बिहार से हूं और पप्पू यादव जैसे बाहुबलियों ने बिहार में 20 साल तक आतंक मचाया हुआ था और अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की थी इन लोगों ने। और आयरनी आज देखिए कि ये वही पप्पू यादव हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं कि 90s के दशक में बिहार में इस तरह के लोगों का बहुत आतंक फैला हुआ था। ये लोग रातों रात जिसको चाहे टपका दिया करते थे। इसके बावजूद इसकी गुंडागर्दी और इसके पावर का ये आलम था कि ये 6 बार सांसद भी रह चुका है। माना जाता है कि उसके ऊपर डायरेक्टली RJD के चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव का हाथ था और जब भी ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ता था तो वहां पर मैसिव लेवल की बूथ कैप्चरिंग की खबरें आती थी। इस आदमी के ऊपर 30 से ज्यादा संगीन क्राइम्स के केसेस हैं, इंक्लूडिंग 1998 में CPM लेजिस्लेटर अजीत सरकार को पूर्णिया में दिन दहाड़े 107 गोलियां मारने का आरोप। उस केस में अजीत सरकार के परिवार ने डायरेक्टली पप्पू यादव पर आरोप लगाया था और इस मामले में वो 8 साल जेल में भी रहा था। हालांकि 2013 में इसको पटना हाईकोर्ट ने सबूत के अभाव में अक्विट कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में पूर्व सांसद पप्पू यादव को हत्या के मामले में बरी कर दिया है और इसके अलावा भी जो बाकी 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस है उनमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, बूथ कैप्चरिंग, डकैती और दंगे भड़काने का भी केस है। इनफैक्ट अब आपको एक मैं बहुत सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ जो आपको शायद पता नहीं थी। ये जानकर शायद आपको सरप्राइज होगा कि अर्णब गोस्वामी, जी हाँ रिपब्लिक वाले अर्णब गोस्वामी, उन्होंने क्लेम किया था कि पप्पू यादव ने 2 दिन के लिए 1996 में अर्णब गोस्वामी को किडनैप भी किया हुआ था। इस लेवल का पावर था इस आदमी के पास। इसके ऊपर आरोप है कि इसने एयर होस्टेस और कैबिन क्रू को चप्पल से पिटाई की थी। इसको अपने पावर पे इतना घमंड है कि ये लोकसभा में ओपनली बाकी मेंबर्स को धमकियां देता है कि आप हमको सिखाइएगा, 6ठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ के बहुत सारे बाहुबली भी थे जो बिहार में एक्टिव थे उस समय, जैसे आनंद मोहन जो भी कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर आया है और वो भी एक IAS ऑफिसर के मर्डर केस में जेल में था। और इस तरह के खूनी को पप्पू यादव सपोर्ट दे रहा है, क्यों? क्योंकि भाई अकॉर्डिंग टू पप्पू यादव BJP के खिलाफ पप्पू यादव और आनंद मोहन जैसे गुंडों को मिलकर न्याय की लड़ाई लड़नी है और डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है। पप्पू यादव जैसे बाहुबली जिन्होंने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया है 20 सालों तक, ये डेमोक्रेसी की रक्षा करना चाहते हैं। ये तो वही बात हुई कि गुंडा फिल्म के बुल्ला और चुटकी लड़कियों की इज्जत करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। जिस समय पर इन बाहुबलियों का राज था बिहार में, उस समय हालत ये थी बिहार की कि IAS ऑफिसर तक, जो कि इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है बिहार में, वो भी अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे। इनफैक्ट एक एलिगेशन है कि लालू यादव के साथ एसोसिएटेड जो गुंडे थे उन्होंने 2 सालों तक एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ असॉल्ट किया था, लेकिन वो IAS ऑफिसर अपनी पत्नी को बचाने में पूरी तरह से हेल्पलेस था। 1999 में प्रीतम सिंह नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए भी अलेजेडली गैंगस्टर राजन तिवारी को हायर किया गया था और उसमें भी माना जाता है कि राज्यसभा मेंबर DP यादव और पप्पू यादव का उसमें हाथ था। पकड़े जाने पर अपेरेंटली रंजन ने खुद ये बात पुलिस को बताई थी। 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई थी तो लालू यादव के साले साधु यादव और लालू यादव के कई गुंडों ने साथ में मिलकर पटना के कार डीलर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ज्वेलर से जबरदस्ती लग्जरी कार्स, फर्नीचर और बहुत सारा सामान लूटा था। जर्नलिस्ट वेतांग भूषण की माने तो मिथिला मोटर्स और टेलको स्टॉकयार्ड से 100 से ज्यादा मारुति कार्स, टाटा सफारी और सुमोस को दिन दहाड़े गन पॉइंट पे लूट लिया गया था। अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूटी गई थी। आप लोग यार नेटफ्लिक्स पे स्पेन का मनी हाइस्ट देख रहे हो, आप बगल में देखो बिहार हाइस्ट चल रही है यार, बाय लोकल। उसी तरह से माना जाता है कि पप्पू यादव के तालुका सैयद शहाबुद्दीन जैसे गुंडों से भी थे जिसके ऊपर कई मर्डर, एक्सटॉर्शन और दंगे भड़काने के केसेस भी लगे हुए थे। इन लोगों के राज के समय पर बिहार के DGP RR प्रसाद ने कहा था कि बिहार में पुलिस उतनी ही पावरलेस है जितनी की अभी हुए टेस्ट मैच में इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हेल्पलेस थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब जैसी बेसिक नीड्स तो छोड़िए यार, उस समय पर बिहार के लोगों का 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया था। हर दिन लूट, चोरी, बलात्कार, मर्डर जैसे क्राइम्स की खबरें आती थीं। और अब आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शोरूम में हुई दिन दहाड़े लूट की तस्वीरें।
बिहार के कटिहार में बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए लूट लिए 1 करोड़ रुपए के जेवरात। सुबह की पहली बड़ी खबर, बिहार में आदित्य हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के सिवान से एक और हत्याकांड की खबर से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, बिहार के नवादा में एक नाबालिग ने लालू की पार्टी के विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। और अभी हाल में जब पप्पू यादव फिर से पूर्णिया से जीत के आया है इलेक्शन, तो उसके बाद उसकी कंस्टिट्यूएंसी में वापस मानो की रंगदारी सिस्टम आ गया है। एक लोकल बिजनेसमैन ने उसको अक्यूज किया है कि वो 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांग रहा है उससे। पप्पू यादव के ऊपर ऐसे ही कंप्लेंट्स 2021 और 2023 में भी लगे थे। इसीलिए इस तरह के लोगों से जिन्होंने बिहार की इतनी बर्बादी की है, बिहार की अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास तो एटलीस्ट कुछ खास सिंपैथी है नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक समय पर बिहार में पप्पू यादव जैसे लोगों की वैसे ही डोमिनेशन थी जिस तरह से बाबर आजम जिम्बाब्वे जैसे वर्ल्ड क्लास टीम्स को डोमिनेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिहार में जंगल राज खत्म होने लगा, इन बाहुबलियों का पावर भी खत्म होने लगा। बिहार में गुंडा राज खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स इंप्लीमेंट की गई थी जो ऑर्गेनाइज क्राइम और क्रिमिनल्स पर स्पेसिफिक फोकस करता था। कई क्रिमिनल लॉज को भी और स्ट्रेंथन किया गया था जिससे कि कई गैंगस्टर्स और बाहुबलियों को अरेस्ट किया गया था। और इस वजह से धीरे धीरे पप्पू यादव की सारी गुंडागर्दी, रंगदारी, बाहुबलीगिरी खत्म होने लगी। जो एक समय पर बिहार का डॉन हुआ करता था उसकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काफी इरेलेवेंस आ गई थी, इसलिए दर दर उसको टिकट के लिए भटकना पड़ रहा था। कभी कांग्रेस के पास, कभी ये राहुल गांधी से एक तरफा प्यार जताते रहते थे। हम एक तरफा प्यार करते हैं कांग्रेस से, कोई दिक्कत, हम पूरा लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, राहुल गांधी के लिए हम पागल हैं, कोई दिक्कत। तो कभी आरजेडी के लिए रोते बिलखते रहते थे। तो अपने आप को पॉलिटिक्स में इस आदमी ने वापस रेलेवेंस बनाने के लिए एक नया टोटका अपनाया। अब वो अपने आप को गरीबों के मसीहा की तरह पोर्ट्रे कर रहा है और इसमें इसके कई चाटुकार भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में आए हुए फ्लड में उसने रेस्क्यू ऑपरेशंस में भाग लिया था। कोविड में खबर आई थी कि ये बिहार के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें दिखावा है, क्योंकि इस तरह के लोगों की असलियत ना रह रह के बाहर निकलती रहती है। ये बहुत ही कास्टिस्ट आदमी है। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूँ कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। और आप देखिए कि पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहने के लिए किस लेवल तक ये आदमी मुस्लिम वोट बैंक को अपीस कर रहा है। ये तो यहाँ तक कह रहा है कि ये अपना नाम बदल लेगा अगर पूरी दुनिया एक दिन इस्लाम को कबूल नहीं कर लेती है। अपना आत्मसात कर लेने और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है वो देन है हम सब। रेस्टलेस प्रोटेस्ट के समय पर भी ये आदमी देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। हर एक पॉलिटिशियन को मुंह उठा के धमकी भी देता रहता है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो। क्या हुआ, सबको बड़ी मारा पुलिस, पूनम सिंह बड़ी मरवा दी, ये जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा समझे अब हम कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट इस जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के पहले ये कह चुका था कि इसकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं ये जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आए, कफन बांध के आए। यानी अगर इनके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो दंगे करवा देंगे ये देश में। तो लग रहा है कि बिश्नोई की धमकी आने के बाद इस तरह के डीपली करप्ट एंटी नेशनल लोगों को उनके कर्मों का कुछ फल मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल रही धमकियों को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं खुद चाहता हूँ कि इंडिया अगर एक डेवलप्ड देश बनना चाहता है, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहता है, विश्व गुरु जैसा बनना चाहता है, तो पप्पू यादव जैसे एंटी नेशनल गुंडों को डर बिश्नोई जैसे गैंग से नहीं लेकिन इंडियन स्टेट से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो डर गवर्नमेंट से गुंडों को उत्तर प्रदेश और असम में है, वही डर भारत के हर स्टेट में गुंडों को गवर्नमेंट से होना चाहिए। इन अ वे भारत का सबसे बड़ा गुंडा इंडियन स्टेट होना चाहिए जिससे सारे गुंडे, बाहुबली और रंगदार डरे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को पप्पू यादव ने खुद ही भड़काया था। उसने खुद कहा था कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए वो उनको रिवॉर्ड देगा जो करप्ट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को गोली मार देंगे। सरकार अपना काम यदि कानून नहीं करती है, ये गरीबों को लुटेरे और ये बेईमान पॉलिटिशियन और पदाधिकारी के खिलाफ, तो ये दलित और गरीब बेमूला क्या त्योहरा, राइफल उठाओ और सीधा ऐसे पॉलिटिशियन जो बेमूला को समाप्त करता है, बेमूला को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, सीधा गोली मारने की जरूरत है ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे पदाधिकारी को। और अब
जब लॉरेंस बिश्नोई वही काम करने की कोशिश कर रहा है तो कह रहे कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुंह से निकल गया था, अब नहीं बोलूंगा। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन यू आर, कर्मों का फल मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि बिश्नोई गैंग आजकल इतनी चर्चा में है? आपको क्यों लगता है कि ये लोग बाबा सिद्दीकी जैसे लोग, सलमान भाई जैसे लोग और पप्पू यादव जैसे गुंडों को क्यों चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको कि बिश्नोई गैंग का असली मोटिव है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, हमारे पेट्रियन पर मेंबर बने या हमारे यूट्यूब पर एक मेंबर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। क्या बात है जी, लॉरेंस बिश्नोई की और उसकी चर्चा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताने की बातें हो रही हैं। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई देश के गुंडों का सफाया कर रहा है और सच्चा देशभक्त ये अच्छा काम बन रहा है, और गुंडों को अगर किसी से तकलीफ हो रही है, देखिए स्टेट की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और वो मजबूरियां हम समझते हैं, हमारे जैसे लोग समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टेट की अपनी मजबूरियां हो जाती हैं, कहीं पे सियासत, कहीं पे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, माहौल ना बिगड़ जाए, कई सारी चीज़ों को जो होता है वो सबसे बड़ा गुंडा उसी को ही होना चाहिए, लेकिन उससे सबको डरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, ये जो बंदा है अब एक क्रिमिनल है, अब गुंडा है, अब मवाली है, लोगों को मारने वाला भी है, उसकी सियासत कैसी करी, लेकिन अगर उसकी थर थर टांगें काँप रही हैं एक धमकी से बिश्नोई की, तो फिर बिश्नोई तो हीरो हुआ ना। बिल्कुल, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। नंबर इज बैक। वो सलमान खान हो, वो चाहे बाबा सदीकी हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे पप्पू यादव जैसे लोग हों, उनके ही अगर टांगे कांप रही हैं तो बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई हीरो है और देश का हीरो ही है। उसको हर माता, हर बहन उसको सलूट मारेगी और उसको दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो काम कभी नहीं कर पाए, अब जो इसके सताए हुए लोग होंगे, जब वो देखेंगे कि इसकी चीखें निकल रही हैं तो वो दुआएं लॉरेंस बिश्नोई की वजह से, तो उसको फिर ये दुआएं देंगे। तो मैं कहता हूं कि ऐसे फिर गैंग्स होने चाहिए। आपने जो यार इस बात को मारो गोली, वो किस पार्टी से है, क्यों है, एमएलए जो है ये सारे डाउनी है इंडिया में। और क्या है, दादा भी 40-60% जो है डाउनी है। जिनको योगी ने मारा था, जिनको योगी ने मारा था, वो कौन थे? डाउन कहने का मतलब ये है भाई कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। हमारे भी 50-60-70 इतनी है भाई हमारे। हाँ, सारे एमपी 80-90 ना हो, मैं तो पता चल गया बात नहीं हो रही इंडिया की। यार एक बात कर, हमें अपने आप में किसी का मेरी बात है यार, दोनों तो सही यार हुआ क्या, वही बात है डीएनए हमारी। ये मैं आपको जनरल बता दूं, जितने पॉलिटिशियन होते हैं जो भी है, वो सालों के अपना उनका हाथ होता है इंडिया से बाहुबलियों पे। जब वो इनको ट्रेन करते हैं अपने फायदों के लिए, अपने मकसद के लिए, जब वो फायदा पहले चेलना नहीं है उनका, ये कांग्रेस का एमएलए है भाई, वही बना है। पहले सारे बाहुबली होते हैं, हमारे भी इधर बाहुबली होते हैं। पप्पू की तो हिस्ट्री बता दी सर ने भाई, पॉलिटिशियन की बगैर छतर छाया में कोई भी आगे नहीं जाता। इन जैसे बंदों को रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी पॉलिटिशियन ने हर तरफ यही होता है, तो नहीं बात पप्पू ज्यादा शुरू में छोटा मोटा गुंडा सारे ऐसे, शुरू में बाहुबली कौन बनता है? ये शुरू होता कहाँ से? कुछ चाकू दुखा के किसी की डिकेटी करनी, वारदात करनी, पैसे चोरी करनी, आहिस्ता 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 गैंग किसी गैंग से मिल गया, उसका नाम निकलता है आगे 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 हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन पार्टी में होते हैं। भाई अगर बात करें यार, जो बिश्नोई गैंग है उसका तरीका कार गलत हो सकता है, लेकिन अगर उसके काम की बात करें, काम वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। जिस तरह से देश के लोगों को एक कह लें कि खतरा है, जिस तरह से ऐसे लोग जो पप्पू यादव जैसे लोग हैं जिन्होंने देश का एक अमन जो है वो खराब कर रखा है, और पूरी स्टेट में बिहार में उन्होंने एक आतंकवाद की ना एक ऐसी शाख रखी हुई थी जिसकी जड़ें फैलती चली जा रही थी, और पूरी स्टेट का एक माहौल खराब था। दिन दिहाड़े जिसको दिल करता था मार देते थे, दिन दिहाड़े जिसको दिल करता उठा लेते थे। बिहार पूरा जो है वो पप्पू यादव जैसे गुंडों से तंग था, और ये इतना दोगला बंदा है, अपनी वोट बैंकिंग हासिल करने के लिए कभी कॉन्फ्रेंस की तारीफें करना शुरू कर देता है, कभी मुसलमानों की तारीफें करना शुरू कर देता है, कभी बीजेपी की तारीफें करना शुरू कर देता है। जब ये सब चीजें
इसको पता चला कि ये काम नहीं आ रही, इसने एक नया तरीका ढूंढा कि अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला कि चलें जी ऐसा करते हैं कि अच्छा बन के दिखाते हैं। कुछ लोग होते हैं अच्छा, चलो पप्पू यादव ना जो जो हो रहा ठीक है भाई, उस बंदे ने कहना कट की है किसी ना माड़ी है ना, तो वो चीज़ है बट ठीक है, पर किसी मार देना इज़ नॉट गुड। मैं तो कहना सगो स्टेट साड़ी इन्नी तगड़ी हो कि इन्होंने लोगों को चक चक के जेल च पाया जाए, तो वही गल है, सही गल है बिल्कुल, स्टेट ही सेंटर सरकार साड़ी जी तगड़ी हो जाए सारी, मतलब पुलिस है ना सब, करप्शन ना हो, गुंडियां सह लेना मिलेगा तो सब सेट हो जाएगा। देश एक आम इंसान को दिखाया है कि तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने, वो एक आम इंसान को ये दिखा रहा है, ये जो लोग हैं जिनके अगेंस्ट अब ये लॉरेंस खड़ा हुआ है, वो लोग आम जनता को हमको आपको चिढ़ा रहे हैं अपनी पावर दिखाकर कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी ताकत हो, तुम लोग क्या हो। और एक आम इंसान उससे गुस्से में आया हुआ है कि तुमको बनाया हमने, तुम्हारे को पॉलिटिशियन तुमको वोट दे के हम बनाए, एक्टरों को हीरो सुपरस्टार सो कॉल्ड जो होता है वो कौन बनाते हैं, आम जनता बनाते हो, उसके बाद जब तुम बन जाते हो तो तुम सोचते हो कि तुम हमसे ऊपर हो गए, और उसके बाद तुम हम ही के ऊपर हमारे ऊपर तुम गलत काम करते हो, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हो और उसके बाद बच जाते हो। तो एक आम इंसान के अंदर गुस्सा है, और जब वो देखते हैं कि लॉरेंस जो है वो इन लोगों से लड़ रहा है तो फिर लगता है भैया सही कर रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट कूट तो कुछ कर ही नहीं रहा। हम इतने जिसके ऊपर इतने चार्जेस, कोई वांटेड हो के जेल काट के आ रहे हैं, जो वो इलेक्शन लड़ना है और जीत भी रहे आराम से सब कुछ, हक नहीं होना चाहिए इनको, क्योंकि देश चलेगा लॉ एंड ऑर्डर से, देश जो डेमोक्रेसी बचाने की जो बात कर रहे हैं, इनके भाषण अगर तुम सुनोगे ना तुम खुद बोलोगे भैया क्या हो रहा है। और मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे ये लगता है कल मतलब कोई कितना बड़ा क्रिमिनल है उसे पता है फ्यूचर तो है पॉलिटिक्स में मेरा सच में। और मुझे लगता है जो वोट देते है ना आप क्या सोच के वोट देते हो, हमेशा आप तरक्की की बात करो, आप वो बात करो जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देगा उसको सजा मिलेगी, ऐसे नेताओं की बात करो ना कि जो खुद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करे। और तो इनके ऊपर इन्हें काफी शंका है क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े गलत काम किए हैं। बाकी अगर मैं जो रिसेंटली मसला मुझे लगा इस वीडियो के ऊपर कि भाई साहब कह रहे हैं कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत है। बाकी मैं इनसे ये कहूंगा कि आप सिस्टम को देखें, पाकिस्तान इंडिया इन मुल्कों में जो सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ गुंडे मवाली बहुत जोर बात समझे नहीं है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, देखा जाए तो उन्होंने पहले उनकी बुराइयां बताई हैं, लॉरेंस बिश्नोई की एक बुराई भी नहीं बताई, दूसरे की सारी बुराइयां बताई है, मतलब वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने आखिर में यह बात भी की मंच पे मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मतलब ऐसी चीजों को वो सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो और द सैम शर्मा शो में भाई जो ये टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो लॉरेंस बिश्नोई की मैटर एक अलग है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि जो इन्होंने पॉलिटिकल उस पे बात की है कि पप्पू यादव या कोई भी हो, तो भाई ये अपने इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी जो भी पार्टी सत्ता में रहती है तो सबका अपना अपना सबके पास गुंडे, बस ये है। और जो ये यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में माफिया और या गुंडे डरने लग गए हैं, तो ये बात सही नहीं, वहाँ पे मतलब हर पार्टी का अपने अपने गुंडे हैं भाई, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो इनके अपने गुंडे हैं, या कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इनके अपने गुंडे हैं, यानी जो पार्टी सत्ता में होती है उनके गुंडे एक्टिव रहते हैं। तो ये हमारे इंडिया की एक मतलब एक एक ही स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, जिसकी सत्ता रहती है उसी के गुंडे के हावी रहते हैं और उन गुंडों को कोई नहीं बोलता। अगर बीजेपी हटेगी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के गुंडे एक्टिव होंगे, फिर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसे कि अभी पप्पू यादव के बारे में बता रहे थे। और ऐसे ही जब भी अभी बीजेपी सत्ता में है तो मैं इन चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहता, ये आप लोगों की मतलब अपनी राय है और आप लोगों का अपना सपोर्ट है भाई, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, तो मैं तो फिलहाल अभी किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रियलिटी यही है, मतलब इसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई जो सत्ता में या पावर में रहता है उसी के गुंडे एक्टिव रहते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो रहेगी लॉरेंस बिश्नोई की बात, तो लॉरेंस बिश्नोई को हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे या कोई भी बोलेगा उसका काम गलत, तरीका मतलब गलत है, काम अच्छा है तो ये हम कह सकते हैं कि तरीका ये जो जिस तरीके से वो कर रहा है वो तरीका सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो कर रहा है वो अच्छा है, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों की अपनी राय होती है तो कमेंट में आप लोग बोलते भी हो, बताते भी हो, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कमेंट भी आते हैं, तो वो वहाँ से मतलब काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आप लोगों को पता है, आप लोग ही कमेंट करते हो, तो
तो हमें भी पता है, लेकिन भाई हम यहाँ जो है ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कुछ रीज़न होता है। लेकिन ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता होगा। और मतलब जो अब ये इनको कोई गुंडा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इनको हीरो कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये अब ये शाम शर्मा शो में भी इन्होंने सारी बात कही है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई को इन्होंने खुल के नहीं सपोर्ट किया, और कोई नहीं कर रहा भाई खुल के सपोर्ट। लेकिन ये है कि जो सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को पता ही लग जाता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल आप लोग जो है हमेशा की तरह लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इस वीडियो में जो भी कमेंट करना है आप लोगों के लिए है, आप लोग उसमें लिख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।